Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है. सिंपली ओरिएंटेशन है. ओरिएंटेशन में बता देता हूँ, कई बच्चों को पता भी नहीं क्या होते क्योंकि मैं भी पहली बार ही कॉलेज में आ रहा हूँ तो मेरे को भी नहीं पता थी. तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं क्षितिज, हेलो, और ये है सौरभ. सौरभ प्रो, यो यो. तो आज हमारा पहला दिन है ओरिएंटेशन का और हम पहुंचने वाले हैं. 11 बजे की ओरिएंटेशन है. अभी हुए हैं 10:46, पहुंचने वाले. देखते हैं वहां पे क्या होता है. और मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है. तो मेरा नाम हरिओम है, मैं दिल्ली से हूं, इंडिया में. तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ होटल एंड रिजोर्ट सर्विस मैनेजमेंट. मैं यहाँ पर कैनेडा में लंदन में आया हुआ हूँ. फैंशो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, डाउनटाउन कैंपस. तो ये है मेरे बारे में, बाकी सब आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे. तो करते हैं व्लॉग कंटिन्यू. आगे देखिए यहाँ के डंडर स्ट्रीट के नज़ारे. तो ये बता देता हूँ यहाँ के थोड़े से रूल्स. जब आपको रोड क्रॉस करना है तो ये बटन दबाना है, वहाँ पे हो जाएगी वाइट लाइट. ये वॉकिंग का सिग्नल आ गया तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, सारी गाड़ियाँ ऐसे रुक जाएंगी. ये देखिए अभी चलते हैं. हमारा कॉलेज वो है वहाँ पे पास में ही, हमारे जस्ट कॉलेज के सामने डॉलरामा है. तो शॉपिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, पास में ही सारा सामान मिल जाता है. बस डॉलरामा पे ज़्यादा कुछ ग्रोसरीज और डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिलते. अभी चलते हैं यहाँ पे. देखिए ये बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं ये स्नो में चलने के लिए होते हैं जैसा मैंने दिखाया. और ये देखिए, तो बेसिकली ये जो डंडर स्ट्रीट है ये यहाँ का मेन पार्ट है. जैसे हमारे शहर में दिल्ली में इंडिया में जो मेन सिटी होती है तो यहाँ लंदन में ये मेन सिटी है. ये इस टाइप के ट्रक यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं जो कि स्नो में काम आते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 महीने के करीबन स्नो रहती है. अभी तो मुझे यहाँ पे 20 दिन हुए हैं पर देखते हैं सब कुछ कैसा होगा स्नो में भी. तो बेसिकली ओरिएंटेशन में क्या बताते हैं, वो लोग कॉलेज की तारीफ करते हैं. मेरा भी ये पहली बार है जैसे कि मैंने बताया. तो कोई व्लॉग में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी मतलब मैं ठीक से बोल ना रहा हूँ, ऑडियो इशू हो तो वो कमेंट्स में भाई ज़रूर शेयर करना. लाइक और सब्सक्राइब करना वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए. अभी हमारा कॉलेज जस्ट पास में ही है, सामने 100 मीटर की दूरी पर. और हाँ, यहाँ पर आज लंदन में मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है, इसे हम भीड़ ही कहेंगे क्योंकि वैसे तो यहाँ पे 500 मीटर पे एक बंदा दिखता है. कम पॉपुलेशन है यहाँ की लंदन की. जैसा कि मैंने बताया था पहले ये प्रेस करना होता है, बट अभी वॉकिंग का सिग्नल है तो हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं. अभी 6 सेकंड के अंदर 5, 4, 3, 2, 1 अब हमें रोड क्रॉस कर लेना चाहिए. अभी स्टॉप का सिग्नल आ जाएगा. और ये आ गया हमारा कॉलेज पास में. ये सबवे, ये पिज्ज़ा पिज्ज़ा, ये बस बेगल. यहाँ मैं अपना रेज्यूमे देकर गया था पर अभी तक जॉब मेरी कहीं और लगी हुई है. तो बेसिकली मैं फैंशो कॉलेज के बारे में बता देता हूँ. फैंशो कॉलेज के लंदन में 3 कैंपस है, एक डाउनटाउन कैंपस और एक मेन और एक साउथ लंदन कैंपस. तो मेरा जो है वो डाउनटाउन कैंपस है, वो सबसे छोटा है. और मेन कैंपस काफ़ी बड़ा है, करीबन 200 एकड़ में फैला हुआ है. और फुटबॉल पे जिम एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेनिस कोर्ट, बेसबॉल के लिए प्लेस, आपको बेसबॉल खेलने का मन कर रहा है तो उसके लिए. बट स्टूडेंट को यहाँ पर टाइम नहीं मिलता जो कि मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर 20-25 दिन हो गए हैं और मेरे को जबकि मेरी क्लास भी शुरू नहीं हुई और जब भी मेरे को टाइम नहीं मिलता. इसलिए इससे ही मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि स्टूडेंट को यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाएगा. भाई आ गए हैं हम अपने कॉलेज पर. तो जैसा कि मैं ये बता रहा था, ये मेरा फैंशो कॉलेज है, ये डाउनटाउन कैंपस है. तो ये सबसे छोटा है एज़ कम्पेयर टू मेन कैंपस और साउथ लंदन कैंपस. इसके सामने इसकी एक और बिल्डिंग है, ये है एनिमेशन के लिए और ये है हॉस्पिटैलिटी के बच्चों के लिए. और ये तो बताया था मैंने कि पास में डॉलरामा है, वो रहा डॉलरामा.
तो भाई ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और यहाँ पर आज हल्की सी भीड़ है। अब ये इंस्ट्रक्शन देंगे और रूम नंबर बता देंगे। तो भाई यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रही है, सब मतलब अलग अलग रूम में जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोर्सेज। अगर ऑडियो का कोई इश्यू हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ओके ब्रो। तो ये मेरा फ्रेंड था, मेरे को मिल रहा था, ये गेम डिज़ाइनिंग का कोर्स करेगा वो सामने वाले बिल्डिंग में। तो यहाँ पे ये सब चलता है। अब भी मैं जाता हूँ अपने रूम में ओरिएंटेशन के लिए। फ्री के लिए दे रहे हैं तो ले लेते। अभी ये कुछ बांट रहे हैं, अभी हम लेने आए हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो वाई नॉट ले लेते हैं भाई। यहाँ तो यार बहुत बहुत कंट्री से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग कंट्री। ये दिखाता हूँ भाई मैं कॉलेज का माहौल। भाई ये टी शर्ट स्टिकर, ये क्योंकि गेम डिज़ाइनिंग का कोर्स भी चलता है तो इसके लिए है ना, तो ये सब फ्री में दे रहे हैं। हम उठा उठा के मैंने भी एक पिक कर लिया मेरा। अभी मैं जाता हूँ अपने रूम में दोबारा, सेकंड चांस। भाई हमारी ओरिएंटेशन ख़त्म हो चुकी है, जैसा मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल अलग थी ओरिएंटेशन। और ये है मेरा भाई मोहित हमारे साथ, ये रोहिणी से। भाई मास्क तो हटा ले। देखा भाई एक नंबर का सुथरा बंदा। तो भाई ओरिएंटेशन ख़त्म हो चुकी है, जो मैं सोच रहा था उससे थोड़ी अलग थी क्योंकि वे बस कॉलेज की तारीफ नहीं कर रहे थे, कई चीज़ ऐसी भी बताई जो बढ़िया थी जो बतानी थी। और उसने उन्होंने हमें ये पोर्टल थोड़ा सामान दिया, बुकलेट्स वगैरह, इसमें कूपन्स हैं और बैज वगैरह, आईडी कार्ड के जो पट्टे होते हैं वो, टी शर्ट भी दिखाता हूँ मैं आप लोग घर पे जाके। टी शर्ट्स बहुत अच्छी है। हाँ वो सारी चीज़ है। तो अभी आगे दिखाते हैं क्या क्या और है यहाँ पे डाउनटाउन में डंडर स्ट्रीट में। तो भाई अभी हम बारबेक्यू पार्टी में जा रहे हैं जो कि है मेन कैंपस। हम थे अभी डाउनटाउन कैंपस में ओरिएंटेशन अटेंड करके, हम वहाँ जा रहे हैं। हमें कंफर्म है भी और नहीं भी कि वहाँ बारबेक्यू पार्टी है, पार्टी वहीं पे है, वहीं पे है, फिर सही है। मूवी नाइट भी वहीं पे है। अब हम जाएंगे बस से वहाँ, और कल मूवी नाइट थी वहाँ पे। हमारा रूम लॉक हो गया था, चाबी अंदर थी और हम बाहर खड़े थे और ये हमें फ़ोन कर रहा था कि मूवी नाइट में आ जाओ, इसलिए हम नहीं जा पाए भाई। आ गए हम बस में, बैठा भाई मोहित साथ में। भाई स्माइल देख ले बंदे की, बारबेक्यू के नाम पर। भाई अब जा रहे हैं मेन कैंपस जो कि बता दिया था बारबेक्यू के लिए, तो मिलते हैं सीधा मेन कैंपस में। भाई जैसा हम सीरीज में हाई स्कूल देखते हैं ना वैसा है, मजा आ रहा है। बनके भी वैसा आया भाई, टिप-टॉप बन के आया मैं। देख मैं देखो भाई फुटबॉल के जूते पहन के आया। तो भाई हम आ गए हैं मेन कैंपस में क्योंकि यहाँ बारबेक्यू पार्टी है। भाई बंदे खाते जा रहे हैं कुछ कुछ। बारबेक्यू पार्टी है भाई, यहाँ पे टिम भी है। ये देखो दिखा, तो ये कॉलेज के अंदर ही भाई कैंटीन वगैरह है जो भी है, ये भी है। और यहाँ दिखाते हैं ये सीटिंग एरिया है अलग टाइप का, और दिखाते हैं भाई अब बारबेक्यू पार्टी के साथ। हाँ भाई फुटबॉल के जूते पहना।
तो भाई ये व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है 50% या इट्स अप टू यू कि कितना इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, किस चीज़ के लिए आप आए हो। बट मैंने ओरिएंटेशन का जो भी बताया वो सब कुछ बताते हैं प्रोज एंड कॉन्स कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ग्रेड सिस्टम और आपको असाइनमेंट्स कब करने हैं, क्या ड्यू डेट होती है और लेवल्स बताए हैं। हमारे कॉलेज में दो टिम हॉर्टन्स हैं, दो हमारे कॉलेज में भाई बहुत कुछ है, अभी आगे दिखा सब पे है। अब स्टारबक्स भी खुल चुका ना, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा है, हार्वेज है, बहुत कुछ सब हद ज़्यादा भाई, खाने पीने का सब कुछ है। वेंडिंग मशीन पैसा नहीं है, पैसा पैसा बथेरा मेरे पे पैसा बथेरा भाई। चलो भाई अब दिखाता हूँ टिम होटल से आके। तो ये भाई डिस्प्ले बोर्ड है, यहाँ पे इवेंट वगैरह की डेट होती है, टिकट प्राइस जो भी हो रहा है यहाँ वो यहाँ पे होता है। आज ये जैसे फील्ड है, ये जैसे कल मूवी नाइट थी। हाँ कल मूवी नाइट थी भाई, ये शख्स आया था मूवी नाइट में थी, और आज ये कार्निवल है। हाँ भाई ये डीजे डिस्को पार्टी कॉलेज बढ़िया। तो भाई ये वेंडिंग मशीन है उस साइड, अपना एक टिम होटल उस साइड है ना, उस तरफ है। तो भाई उस तरफ टिम होटल है भाई। अभी हम आए हैं यहाँ पे और हमें एक कुकीज़ मिली, भाई भी खाता जा रहा भाई दिखा दे कुकी ईटर भाई, आधा लंदन इकट्ठा हो रहा है भाई आज कॉलेज में। और चीज़ें देखो भाई, ये है कॉलेज की पार्किंग, बहुत बड़ी है भाई वहाँ तक। अभी हम जा रहे हैं फिर से बारबेक्यू की तरफ भाई, कितनी बार बोल ली है सेम बात भाई, मैं जो बारबेक्यू बता रहा था वो यहाँ है। यहाँ पे तो ऊपर टी शर्ट सिपर वगैरह मिल रही हैं सब, और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी है, मतलब यहाँ पे दे रहे हैं हॉट डॉग्स वगैरह। आई मेट दिस गाय, ये लिटरली भाई बंदा 30 साल का है भाई, ये 30 साल का बंदा है, लग नहीं रहा। दिखा तो दिखा दिया भाई, और कितना दिखाऊं। तो भाई अपने व्लॉग की एंडिंग, सॉरी तो भाई अपने व्लॉग की एंडिंग हम यही खत्म करते हैं। ये क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, अपने व्लॉग की एंडिंग हम यही करते हैं। ओरिएंटेशन खत्म हो गई है और हम घर जा रहे हैं अभी अपने दोस्तों के पास जाके, उनको ब्लॉग दिखाना है ऑडियंस को अपनी। हाँ दिखाएंगे भाई, कितने अच्छे दोस्त हैं भाई, 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 भाई स्कैम हो गया हमारी गेल। हम उस गेट से बाहर निकले, वो लेवल कम था गेट का, ऐसे था वो जमीन का ऐसे था, वो एकदम से आ गए नीचे खाई में गिर गया ऐसा फील हुआ। तो भाई ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और लाइक शेयर कमेंट जो करना कर देना, पर यार कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब और लाइक की तो देखी जाएगी, कमेंट से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कैसी है, मेरी वीडियो को फीडबैक रिव्यू मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में।